हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे आम के अचार की रेसिपी। कच्ची कैरी का अचार बहुत ही टेस्टी होता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। मैं आपको इसकी एकदम सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने 6 कच्चे आम लिए हैं, उसको धो के साफ करके रख दिए हैं। इसे हमें इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। मैंने 3 बड़े चम्मच राई दाल लिए है, 2 बड़े चम्मच मेथी के दाने लिए है, 3 बड़े चम्मच नमक, 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और लहसुन लिए है। मैंने गैस पे छोटी सी कढ़ाई रखी है और उसमें मेथी के दाने हमें हल्के से सेकने हैं। कलर चेंज होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। ये देखिए, रोस्ट कर लिया है। अभी हम इसे पीस लेंगे। हमें इसे इस तरह से दरदरा ही पीसना है। लहसुन को भी मैं क्रश कर रही हूँ। राई दाल को भी हम हल्का सा पीस लेंगे, हमें दरदरा ही रखना है ये भी। गैस पे मैंने छोटी कढ़ाई रखी है और उसमें 300 ग्राम तेल डालना है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें 6-7 लौंग डालेंगे, 8-10 काली मिरी डालेंगे और राई जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल के हम गैस ऑफ कर देंगे। तेल थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन पहले नहीं डालनी है वरना सारी लहसुन जल जाएगी। मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मेथी का पाउडर डाल दिया है, राई दाल डाली है, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, इन सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हम मिला लेंगे। अभी हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमें ठंडा करना है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे मसालों में। अचार में हमें तेल ज्यादा ही डालना है ताकि अचार खराब ना हो। अभी हम इसमें कटे हुए आम के टुकड़े डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 2 दिन के लिए ढक के रख देंगे। 2 दिन के बाद हमारा अचार बनके एकदम तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला सारा मिक्स हो गया है। अभी हम इसे ढक के रख देते हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन हो गए हैं, अभी हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया बन गया है। अभी इसे एक बार फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। अचार हमारा बनके एकदम रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया अचार बन गया है। हमें तेल इसमें ज्यादा ही रखना है ताकि अचार खराब ना हो। ये रेसिपी एकदम आसान है, आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।